हाय, मैं डॉक्टर गौरव गुप्ता, चाइल्ड स्पेशलिस्ट मोहाली। आज आपसे बात करने जा रहा हूँ एक बहुत ही कॉमन बट इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ पेरेंट्स, जिनको हम कहते हैं गूगल पेरेंट्स या हेलीकॉप्टर पेरेंट्स। अब आप पूछेंगे, ये गूगल पेरेंट्स क्या चीज़ है? ये वो पेरेंट्स हैं जो बच्चे की बीमारी के बारे में सारी चीज़ पहले इंटरनेट पर पढ़ के आए हैं और फिर आके डॉक्टर से अजीब अजीब सवाल करते हैं, जिनका कई बार हमारे पास कोई जवाब भी नहीं होता और कई बार हमें सुन के काफ़ी हंसी भी आती है। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। मैं समझ सकता हूँ कि आपको अपने बच्चे की हेल्थ के बारे में बहुत स्ट्रेस है, बहुत वरी है, बट ऑनेस्टली 9 out of 10 टाइम्स गूगल करने से आपकी स्ट्रेस और वरी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। उसका कारण है, इंटरनेट मेडिकल एडवाइस के लिए नहीं बना था। गूगल पे वो रिजल्ट्स ऊपर आते हैं जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर होते हैं, और पॉपुलर रिजल्ट्स वो होते हैं जो सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल होते हैं, जो सबसे ज़्यादा डराते हैं। अगर आपका बच्चा खा नहीं रहा और उसका थोड़ा HP कम है, अगर आपके बच्चे की छोटी सी गर्दन में गिल्टी बनी है, तो आप गूगल पर डालेंगे तो वो क्या बोलेगा? वो कहेगा, हो सकता है आपके बच्चे को कैंसर हो। आपके बच्चे को कैंसर होने का चांस 1/1000 भी नहीं है, बट गूगल में सबसे ऊपर रिजल्ट वही आएगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आप अपना कंसर्न और एंग्जाइटी गूगल करके बढ़ा रहे हैं, कम नहीं कर रहे। इफ़ यू हैव सर्टेन क्वेश्चंस, आप ज़रूर आके अपने पीडियाट्रिशियन से सलाह लें। हाँ, अगर आपके बच्चे में कोई बीमारी डायग्नोज होती है, मान लीजिए हम कहते हैं कि उसको वीट एलर्जी की प्रॉब्लम है, तो आप ज़रूर वीट एलर्जी के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गूगल से ले सकते हैं और अगेन वो अपने पीडियाट्रिशियन से शेयर कर सकते हैं। बट जस्ट सिम्टम्स डाल के डायग्नोसिस ढूंढना गूगल पर एक अच्छी आदत नहीं है। मैं रिकमेंड करूँगा एज़ फार एज़ पॉसिबल वो अवॉइड करें। Thank you.